सो हे क्रेशर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइज, आज हम लोग अपने टाउन हॉल 13 के अकाउंट के ऊपर एंड बहुत सारे गेम में जो है अपडेट आ चुके हैं, बहुत सारे न्यू ट्रूप्स आए हैं एंड यहाँ पर जो है साथ में एक न्यू एविक्जर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ये देखिए भाई, न्यू ट्रूप्स काफ़ी कूल लग रहा है भाई देखने में। लावा हाउंड है और लावा हाउंड के साथ मतलब लूंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। तो आज इसी के लिए ये अटैक स्ट्रैटजी आप लोग के लिए लेके आए हैं भाई, देख सकते हैं स्क्रीन पे एंड साथ ही में भाई डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को देखने को मिलेगा इसका लिंक, जो है आप लोग वहाँ पर कॉपी कर सकते हैं सिंपली। और भाई बहुत ही ओपी आर्मी आप लोग को अभी यूज़ करके दिखाऊँगा। तो भाई जितने बंदे चैनल पर न्यू है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में भाई वीडियो पर एक लाइक भी कर दो। तो गाइज आइए करते हैं इस वाले आर्मी के साथ बूम बाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब, ये रहा सबसे पहला बेस आ चुका है एंड हमने फुल ये मैक्स आउट बेसिस पे ही ट्राई किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आर्मी में सबसे पहले आप लोगों को 9 जैप स्पेल देखने को मिलेंगे एंड आप लोगों को 3-3 जैप स्पेल का यूज़ करते हुए ये जो एयर डिफेंस है भाई, इस तरह से आप लोग को टेक डाउन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एयर डिफेंस को हमने टेक डाउन कर दिया और 1-2 यहाँ पर जो है मिडिल के पास बचे हुए हैं। तो मैं जो सोच रहा हूँ, ये बाहर वाला जो है इसे ले लेता हूँ और लूंस जो है मतलब लावा हाउंड जो है उसको अगर मैं स्पैम करूँगा तो वो एयर डिफेंस को टारगेट करेंगे एंड मेरे जो ट्रूप्स हैं सारे कोर के अंदर जाएंगे, तो ये सही रहेगा। तो अभी दिखाता हूँ करके। तो ये देखिए भाई, हमने हीरोज़ को भी ड्रॉप कर दिया और इधर से एक बेबी ड्रैगन को ड्रॉप किया ताकि थोड़ा सा फनल क्रिएट हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं क्योंकि लावा हाउंड जो है वो सीधे जाएंगे भाई एयर डिफेंस के ऊपर क्योंकि उनका फेवरेट टारगेट ही वही है। तो दोनों साइड क्लियर हो चुके हैं। अब इधर से हम लोग यहाँ से जो है ट्रूप्स को कुछ इस तरह से स्पैम कर देंगे पीछे से भाई वार्डन और ये बचे कुछ लूंस और भाई यहाँ पर हम लोग स्टोन जैमर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और ये देखिए सारे के सारे जो है लावा हाउंड जो है जा रहे भाई एयर डिफेंस के ऊपर और यहाँ से जो है हमने वार्डन की एबिलिटी को टैप करते हुए देख सकते हैं सारे जो है रेज के मतलब वार्डन एबिलिटी में आ चुके थे और यहाँ पर जो है कोर में हमने रेज किया और टाउन हॉल जो है आराम से भाई टेक डाउन हो जाएगा। ये देखिए टाउन हॉल टेक डाउन हो चुका है। इधर जो है स्टोन स्लैमर और बहुत सारे लावाउंड बचे हुए और अभी भी हमने RC को थोड़ा सा होल्ड रखा है एंड अगर नहीं भी डालूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन देखो भाई कितना सारे मतलब लावाउंड बचे हुए और स्टोन स्लैमर अभी तक फूटा नहीं है एंड इधर से हम लोग रॉयल जैमर को इसलिए डाल दें ताकि जो है स्टोन स्लैमर वगैरह बाकी डिफेंसेस की ओर जाए। और यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह से हो रहा है एंड यहाँ पर एक हमारे पास पॉइजन स्पेल बचा हुआ है जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे किंग के ऊपर और ये जो वार्डन स्टैचू है दोनों एक ही साथ पॉइजन हो चुका है। और यहाँ पर ये जो न्यू ट्रूप्स है यहाँ पर देख सकते हैं बार्बरियन प्लस आर्चर का कॉम्बो है भाई, देख सकते हैं काफ़ी स्पीड में मतलब रन कर रहे हैं। और ये देखिए भाई बेस का जो है एकदम तबाही मच गया भाई, एकदम बूम बाम अटैक स्ट्रैटजी है भाई। तो इसको अभी जब तक है भाई आराम से यूज़ कर लो, आई थिंक 20 दिन तक रहेगा तो फटाफट से यूज़ करो भाई इसका, बहुत ही ओपी आर्मी। आइए एक और अटैक दिखाते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा नेक्स्ट बेस एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, बस आप लोगों को 9 जैप स्पेल से 3 एयर डिफेंस को निकालना है एंड जैप स्पेल आप लोगों को 3 डालने होंगे। इस तरह से कुछ 3 डालोगे तो भाई आराम से एक एयर डिफेंस निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 3 डाल दिया और एक एयर डिफेंस बच गया है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ये वाला एयर डिफेंस जो है हीरोज की मदद से हम लोग टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई जो ये न्यू ट्रूप्स है लावा हाउंड वो उनका फेवरेट टारगेट है भाई एयर डिफेंस, तो वो भाई सीधा एयर डिफेंस की ओर ही भागेंगे। देखिए अभी मैं जैसे ही यहाँ पर ड्रॉप करूँगा, देखिए सारे के सारे भाई यहाँ पर जो है ये एयर डिफेंस के ऊपर भाग रहे हैं। तो जैसे ही ये लास्ट एयर डिफेंस जो है टेकडाउन हो जाएगा उसके बाद जो है इनका फेवरेट टारगेट वापस से भाई मतलब डिफेंसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बैटल बीम का यूज़ कर लिया और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ओपी तरीके से भाई वार्डन की एबिलिटी को आप लोगों को कुछ इस तरह से टैप करना है। हमने फ्रीज़ किया भाई टाउन हॉल प्लस स्वीपर को और यहाँ पर कर दिया रेज, टाउन हॉल जो है आराम से टेकडाउन हो चुका है। CC में से कुछ हेड एंटर्स वगैरह निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं है एंड अभी भी हमने पॉइजन को थोड़ा सा होल्ड रखा है और अभी हमारे पास RC भी बचा हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पॉइजन को यहाँ पर यूज़ कर लिया क्योंकि ये ओपोनेंट की RC जो है थोड़ा सा दिक्कत दे रही थी, बट यहाँ पर पॉप्स ने जो है आराम से भाई टेकडाउन कर दिया और इधर से हमने RC को भी ड्रॉप कर दिया इस वाले कंपार्टमेंट के ऊपर और ये मल्टी टारगेट इन्फर्नो आराम से निकाल के दे देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे इधर लावाउंड बचे हुए और ये देखिए भाई बेस भाई एकदम ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं कुछ भी बचा ही नहीं है एंड अभी भी हमारे पास हीरोज़ की एबिलिटी बची हुई है, एक हेड एंटर बचा हुआ है और यहाँ पर देखिए 2-3 लावाउंड बचे हुए एंड पॉप्स जो है लगातार भाई बेस को जो है बहुत ही फटाफट से क्लीन अप कर रहे हैं। और हमने एक हेड एंटर भी लेके आया था तो हेड एंटर को भी डाल दिया भाई, वो आराम से भाई किंग को टेक डाउन करने में लगा हुआ है। और ये देखिए भाई बेस का जो है हालात एकदम ख़राब हो चुका है। सो गाइस, आर्मी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है एंड वहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं एंड जल्दी मिलेंगे भाई इस तरह के और भी न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक भाई जय हिंद।